हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी एप्पल की खीर और उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक एप्पल और उसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इस एप्पल को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका जो रॉ स्मेल है वो ना चला जाए। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते जाना है और पकाना है। एप्पल में एसिड होते हैं तो इस वजह से इसे डायरेक्ट दूध में नहीं डालना चाहिए, वरना दूध फट सकता है। और ये देखिए एप्पल सॉफ्ट हो गया है, तो यहाँ मैं 2 चम्मच चीनी ऐड कर और अब चीनी को अच्छे से मिक्स करना है और इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्पल बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, पूरी तरह से ड्राई भी हो गया है। तो अब इसको अलग से रखना है और इसको ठंडा होने देना है। और अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप की ओर। और यहाँ मैंने लिया है 700 ml दूध और अब इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक बॉईल करना है जब तक इसका क्वांटिटी आधा ना हो जाए। तो हर 1-2 मिनट बाद इसको ऐसे ही अंदर तक डिप करते हुए चलाना है और बॉईल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध का क्वांटिटी कम हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक इलायची, आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो अब मिला दें इन सबको अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है ताकि ड्राई फ्रूट्स कच्चा ना रह जाए। और ये देखिए दूध का क्वांटिटी बहुत ही कम हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप इसको सर्व करने के प्रोसेस पर। और ये देखिए दूध बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करना है एप्पल को जिसको हमने पहले से ही कुक करके रखा है। और अब मिक्स कर देना है इन सबको अच्छे से। और ये देखिए खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ताकि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। और ये मैंने खीर को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया है और अब ये पूरी तरह से तैयार है सर्व करने के लिए। और अब इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स देकर इसकी गार्निश कर देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब एप्पल की खीर बनके तैयार है। इसे आप किसी भी ओकेज़न या फिर कोई व्रत पे बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।